नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नॉलेज टीवी भारत पर। दोस्तों, आजकल हेलीकॉप्टर मॉडर्न ट्रांसपोर्ट एंड वॉलफेयर का अहम हिस्सा बन चुके हैं। हर देश चाहता है कि उनके पास जंग लड़ने के लिए सबसे मॉडर्न और सबसे खतरनाक हथियार से लैस हेलीकॉप्टर हो, जो विरोधी देश के होश उड़ाने में सक्षम हो। लेकिन आजकल हेलीकॉप्टर सिर्फ लड़ाइयों में ही काम नहीं आते, अब बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस या सेलिब्रिटी लग्जरी हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट के लिए भी करते हैं। और आज के दौर में तो ऐसे इन्वेंशंस होते जा रहे हैं कि आम आदमी भी इन पर ट्रैवल कर सकता है, साथ ही इनसे पॉपुलेशन भी बेहद कम होगा। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कुछ ऐसी बेहद ताकतवर और बेहद लग्जरी हेलीकॉप्टर्स के बारे में। दोस्तों, आप सभी में एरोप्लेन्स तो बहुत तेजी उड़ने वाले देखे होंगे, तो आज हम आपको सबसे तेज हेलीकॉप्टर यानी यूरोकॉप्टर के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, यूरोकॉप्टर सबसे तेज हेलीकॉप्टर बन चुका है। फ्रांस में एक फ्लाइट टेस्ट के दौरान यूरोकॉप्टर ने 471 किलोमीटर पर आवर की स्पीड छूकर अपने सभी कॉम्पिटिशन को पीछे छोड़ दिया था। इस हेलीकॉप्टर में रोल्स रॉयस कंपनी के दो इंजन लगे हुए हैं, जिसके कारण ही ये इतनी तेजी से उड़ सकता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस हेलीकॉप्टर की टॉप स्पीड 471 किलोमीटर पर आवर नहीं है। एक और टेस्ट फ्लाइट के दौरान इस हेलीकॉप्टर ने 486 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार भी टच की थी, जिसके कारण यह दुनिया का सबसे तेज हेलीकॉप्टर बन गया है। दोस्तों, 2017 में हुए लीक एक्सपो में पहली बार इस हेलीकॉप्टर को दिखाया गया था। ये हेलीकॉप्टर 8 से 12 पैसेंजर्स को ले जाने के लिए बनाया जाएगा। ये हेलीकॉप्टर देखने में बेहद आलीशान दिखता है। बेल कंपनी के इस FCX-001 हेलीकॉप्टर के मेन रोटर बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी प्रदान करता है, और इस हेलीकॉप्टर को टेल रोटर ना होने के कारण ये बेहद कम नॉइस करता है। ये हेलीकॉप्टर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। इमरजेंसी आने पे ये हेलीकॉप्टर बिना पायलट के भी उड़ सकता है। दोस्तों, ऐसे ही फ्यूचर में बहुत सारे लग्जरी और बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हेलीकॉप्टर आने की उम्मीदें हैं, जिनसे हमारा जीवन और भी अच्छे से गुजरेगा और ट्रांसपोर्ट में देरी भी नहीं होगी। दोस्तों, हमने अभी लेटेस्ट हेलीकॉप्टर के बारे में तो देखा, अब हम आपको पुराने मगर बेहद ही शक्तिशाली हेलीकॉप्टर्स के बारे में बताएंगे। दोस्तों, अपने जायंट साइज के लिए जानने वाला ये MI-26 हेलीकॉप्टर, जिसे फ्लाइंग कारो भी नाम दिया गया, ये हेलीकॉप्टर 20 टन का वजन ले जाने में सक्षम है। इस हेलीकॉप्टर की हाइट किसी 3-स्टोरी बिल्डिंग जितनी है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इसका वजन 30 टन है। ये हेलीकॉप्टर बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ चुका है, और साथ ही ये हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में बेहद ही कमाल करता रहा है। दोस्तों, अभी तक हमने दुनिया के सबसे तेज उड़ने वाले हेलीकॉप्टर के, सबसे नए हेलीकॉप्टर के बारे में और सबसे पुराने हेलीकॉप्टर के बारे में भी बात की। तो दोस्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं दुनिया के सबसे महंगे हेलीकॉप्टर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एयरबस कंपनी का बनाया हुआ H225 सुपर प्यूमा एक बेहद ही खास हेलीकॉप्टर है। ये हेलीकॉप्टर दुनिया का सबसे महंगा हेलीकॉप्टर है। दो इंजन वाले इस हेलीकॉप्टर का प्राइस $27 मिलियन है। ये हेलीकॉप्टर बेहद ही लग्जरी है। ये हेलीकॉप्टर में 24 लोग बैठ सकते हैं, और ये हेलीकॉप्टर 800 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। दोस्तों, ये हेलीकॉप्टर अंदर से बेहद ही खूबसूरत है, और हो भी क्यों ना, इसकी प्राइस ही है इतनी ज़्यादा। दोस्तों, युद्ध के मैदान में तो हेलीकॉप्टर की ज़रूरत बेहद ही ज़्यादा होती है, और इस हेलीकॉप्टर को कितना ज़्यादा मजबूत बना जा सके, ये हमेशा कंपनी सोचते आती है। तो ऐसे ही एक हेलीकॉप्टर है जिसे आप सब जानते ही होंगे। दोस्तों, बोइंग के बनाए गए अपाचे 64E को दुनिया में सबसे घातक हेलीकॉप्टर माना जाता है। ये अमेरिका सेना और अन्य अंतर्राष्ट्रीय डिफेंस फोर्सेस के लिए सबसे एडवांस लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, जो एक साथ कई काम करने में सक्षम है। दोस्तों, इस बोइंग AH-64E को अपाचे के नाम से भी जाना जाता है। अपाचे में दो टर्बोसाफ्ट इंजन लगे हुए हैं। ये हेलीकॉप्टर 365 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरता है। इस हेलीकॉप्टर का वजन 5,165 किलोग्राम है। इस हेलीकॉप्टर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इस युद्ध क्षेत्र की हर परिस्थिति में टिका रह सकता है। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि भारत के पास भी अपाची हेलीकॉप्टर्स आ गए हैं। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के कुछ बेहद ही मॉडर्न और बेहद ही खतरनाक हेलीकॉप्टर्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको इस हेलीकॉप्टर के बारे में क्या क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक नॉलेज टीवी भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।